अयोध्या में भव्य और दिव्य तैयारी है। एक तरफ दीपावली शाम होते ही आप देखेंगे चारों तरफ जगमग दे यहाँ पर दिखाई देंगे, तो सुबह से ही आपको बता दें महाप्रसाद बनाने का कार्यक्रम चल रहा है अलग अलग हिस्सों में, चूंकि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसे में एक जगह पर मैं पहुंची जहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के बाद जो प्रसाद वितरित किया जाएगा वहां पर कैसी चल रही है तैयारी, उसका लिया है मैंने जायजा। ये रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद आपके हाथों में जो महाप्रसाद पहुंचने वाला है, अब उस हिस्से में मैं आ चुकी हूं जहां पर महाप्रसाद को तैयार किया जा रहा है। सभी चाहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये प्रसाद उनके हाथों में जाए। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर प्रसाद के जो डिब्बे हैं उनको तैयार किए जाने का काम किया जा रहा है। प्रसाद के अंदर आपको क्या मिलने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। कमल भाई हमारे साथ मौजूद है और यहाँ पर ये डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं जिसमें आप देखेंगे कि भगवान श्री राम का मंदिर है, रामलला की ये छोटी सी तस्वीर है और इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें चार लड्डू बेसन के दिखाई दे रहे हैं और ये आपको अक्षत है, सोपारी है और सरयू नदी का जल है और रक्षा पुटली जो हमारी रक्षा के लिए होती है, सरयू नदी का जल है। हाँ जी, अरे वाह, बहुत छोटे छोटे बॉक्स है, आप देखिए ये सरयू नदी का जल है, अक्षत है, सोपारी है और रक्षा सूत्र है। रक्षा सूत्र और ये चार लड्डुओं के साथ कितने हजार बॉक्स तैयार? ये 20,000 बॉक्स है, मतलब 5,000 किलो वेट रहेगा इसका। हाँ हाँ। और ये 22 जनवरी के दिन महाप्रसाद के रूप में दिया जाएगा। तो ये अलग अलग हिस्सों में इसी तरह से तैयार किया जा रहा होगा। हाँ। क्योंकि जो लोग आएंगे क्या उनके लिए कुछ अलग से? नहीं 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 नहीं, ये नहीं, आम लोगों के लिए नहीं है ये। 22 जनवरी को जो महाप्रसाद है उसी रूप में ये महाप्रसाद ही दिया जाएगा सबको। यही महाप्रसाद सबको दिया जाएगा महाप्रसाद। ये ट्रस्ट ने डिस्कस किया था कि भाई एक ऐसा प्रसाद होना चाहिए, हम लड्डू तो दे रहे पर उसके साथ सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई आस्था होनी चाहिए। तो हमने पहला प्रथम उनके सामने प्रपोजल रखा कि हम सरयू नदी का जल, जैसे गंगा जी है वैसे सरयू नदी का जल रखे, साथ में एक सोपारी जो हमारा गणपति का उपदेश रहता है उससे, और एक अक्षत रहते हैं और रक्षा पुटली है, ये हमारे सनातन धर्म का एक विशेष है। तो ये प्लान हमने उस तरफ पे बनाया था, ये एक साल से प्लान चल रहा था महाप्रसाद का। ये एक साल से महाप्रसाद का प्लान चल रहा था और उसके बाद डिसाइड किया गया 20,000 पूरे अयोध्या में 20,000 डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी आपको मिली। हाँ, जिसकी जवाबदारी और मेरी तरफ से ये पूरा आयोजन मैंने किया है यहाँ पे। और इस डिब्बों को हमने खास करके घी भी हम गुजरात से लाए थे और वो भी घी अमूल का रहेगा और अमूल के घी में ही इसका पूरा भोग चढ़ेगा। मतलब कोई भी चीज में यहाँ पे छोटी सी भी चीज की चूक नहीं रखी गई है, पूर्ण रूप से इसकी तैयारी की गई है। तो यहाँ पर 20,000 डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं, कुछ और जगहों पर हजारों की तादाद में इस तरह से डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं ताकि जितने भी भक्त अयोध्या आए उस दिन प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन कोई भी बिना प्रसाद लिए यहाँ से जाए नहीं और सभी को इस प्रसाद का यकीनन इंतजार रहेगा। लेकिन राम पथ को लेकर क्या चल रही है तैयारी? फूलों से राम की नगरी को सजाया गया है लेकिन राम पथ पर सज्जा भव्य की गई है, उसको बताती हुई हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में 48 घंटे से कम का समय रह गया है और ऐसे में फूलों की सजावट से राम के परिसर को सजाया जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, राम परिसर के इस प्रांगण की जो पथ है वो पूरी तरीके से पुष्पों से आज सजा हुआ नजर आता है और ये तस्वीर आपको आज से अब अनवरत दिखाई देगी आने वाले 3-4 दिनों तक जब तक ये पूरी तरीके से कार्यक्रम होगा। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षा का घेरा भी मजबूत किया गया है। ठीक आपके सामने ये आपको जो है ई वैंस दिखाई देंगी, इसके जरिए जो वीवीआईपीज हैं वो जा सकेंगे दर्शन के लिए, ये व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सजावट अगर आप देखें तो आपको दूर दूर तक यहाँ पर जो है गेंदे की फूलों की खुद आपको एक खूबसूरत सजावट दिखाई देगी और दूर दूर तक जो है आज ये सजावट दिखाई दे रही है। प्रतिबंध लगाया गया है दर्शनार्थियों पर आज क्योंकि रामलला के भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है और यही कारण है कि आज के दिन जो है दर्शन आने वाले 2 दिन तक यानी 22 तारीख के बाद ही हो सकेंगे और इसीलिए जो आज ये प्रतिबंध नजर आता है। लेकिन जो सजावट है, जो फूलों की सजावट है वो आपको दूर दूर तक दिखाई देगी जिस तरीके से तैयारी की जा रही है। और इस तैयारी के साथ में अब रामलला के आह्वान का समय हो गया और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो उसके साथ में ये तस्वीर और भी सुंदर नजर आएगी। अयोध्या वासी जिसका इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है और राम परिसर की सजावट जोरों से नजर आती है। अयोध्या से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा आज तक। ये तो आपने रिपोर्ट देख ली है लेकिन जरा अयोध्या वासी अपनी भावनाएं आप लोगों तक व्यक्त करना चाहते हैं, उनकी भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं
बार बार ये लोग नीचे बहुत भीड़ है तो उनकी उन तक पहुंचकर एक एक लोगों की बातों को शब्दों में बांध पाना मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ देखिए किस तरह से कुछ लोग थिरक रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, गा रहे हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, संत हैं, और पूरे के पूरे अयोध्या की यही भावनाएं हैं जो इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर आपको दिखाई दे रही है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम कहते हुए अयोध्या नगरी दिखाई दे रही है।